दोस्तों, पृथ्वी का एक सबसे बड़ा नियम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी तो अंत होना ही है। फिर चाहे हम इंसान हो, जानवर हो या फिर हमें अपने अंदर समेटी हुई पृथ्वी हो, हर एक चीज एक न एक दिन खत्म ही होनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हमारी पृथ्वी का अंत कब होगा? आज से लाखों करोड़ों साल पहले बनके तैयार हुई ये पृथ्वी कब जाकर अपनी अंतिम सांस लेगी? और क्या ऐसा जल्दी ही होने वाला है? और अगर होगा तो कैसा होगा? आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम इंसान चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लें, एक न एक दिन हमारा अंत होना तय है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर राज किया करते थे। कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ आसमान में उड़ते थे। लेकिन आज वो सभी पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी ने इतना भयानक विनाश देखा कि वो डायनासोर उसे झेल नहीं पाए, जिसके लाखों साल बाद हम इंसानों का जन्म हुआ और आज हम पृथ्वी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? कब तक हम इंसान पृथ्वी को अपना परमानेंट घर समझकर यहाँ डेरा जमाए बैठे रहेंगे? एक न एक दिन तो हमें भी इस दुनिया से विलुप्त ही हो जाना है, और इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा जरूर होगा जब पृथ्वी पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं बचेगा। हालांकि कई सारी सभ्यताओं में पृथ्वी पर प्रलय या फिर कह लीजिए कि विनाश की भविष्यवाणियां की गई हैं। अब जैसे कि अगर हम माया सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के हिसाब से पृथ्वी को आज से 10 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। जी हां, माया सभ्यता ने अपनी भविष्यवाणी में पृथ्वी का अंतिम दिन 21 दिसंबर 2012 बताया था। आपको बता दें कि माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता अपने वक्त पर खगोल विज्ञान के मामले में बहुत ही उन्नत थे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष के बारे में की गई उनकी कई सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुईं। माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 तक की तारीख बताई गई थी। उसके बाद की तिथि का वर्णन उनके कैलेंडर में नहीं है। माया कैलेंडर के अनुसार 2012 के बाद पृथ्वी का अंत होना था, और ये चीज इतनी ज्यादा प्रचलित हुई थी कि इस पर हॉलीवुड में फिल्म भी बना दी गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और फिल्म को देखने के बाद लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में लग गए थे। हर कोई सोच रहा था कि अगर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जिसके चक्कर में फिल्म तो चल गई, पर 2012 में कोई भी प्रलय या फिर विनाश नहीं हुआ। और आज हम 2022 में कदम रख चुके हैं। अब तो बल्कि ये साल भी खत्म होने वाला है, और खगोल विज्ञान में महारत हासिल करने वाले माया सभ्यता की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गई। पर दोस्तों, माया सभ्यता की ही भविष्यवाणी केवल गलत नहीं हुई है, बल्कि पृथ्वी के विनाश को लेकर कई सारी भविष्यवाणियों ने गच्चा खाया है। अब जैसे कि आप ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन को ही ले लीजिए, जिन्होंने ये कहा था कि 25 मार्च 1988 को पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। असल में मिंग चेन ने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर यह भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, और क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया होगा, इसलिए ईश्वर पूरी मानव जाति को सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य मारे जाएंगे। साल 1988 में ये बात इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि महीनों तक ऐसी खबर को कई सारे अखबार वाले लगातार छापते रहे। लोग इसे लेकर काफी ज्यादा डर भी रहे थे, क्योंकि अगर मिंग चेन की बात सच हो जाती तो पूरी दुनिया की काया ही पलट जाती। ऊपर से इनके फॉलोअर्स भी बहुत बड़ी संख्या में थे, इसलिए सभी ने इनकी भविष्यवाणी को सच मान लिया और अपने जीवन के बचे खुचे काम करने में जुट गए। हालांकि जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया, ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वो अपने परिवार वालों के साथ बिता सकें। लेकिन दोस्तों, न केवल 25 मार्च का दिन बिता, बल्कि 26 मार्च की सुबह भी आए, और अब तो इस बात को 30 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, जहाँ किसी भी ईश्वर का नामो निशान नहीं दिख रहा है जो पृथ्वी पर बढ़ने वाले पाप का अंत करने के लिए जमीन पर अवतार लें। इसलिए मिंग चेन की ये भविष्यवाणी भी पूरी तरह से गलत साबित हुई। लेकिन भविष्यवाणियों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, क्योंकि अभी हाल ही की बात है जब एंड टाइम प्रोफेसी नाम की एक संस्था द्वारा पृथ्वी के विनाश को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, जिसके मुताबिक 29 जुलाई सन 2016 को पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जहां इस संस्था का कहना था कि 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय द्रव्यों के पलटने के कारण कई सारी आपदाएं शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही भयानक भूकंप और सुनामी का सामना करना पड़ेगा, और ठीक उसी समय एक उल्कापिंड भी धरती से टकराएगा। ये उल्कापिंड इतना ज्यादा बड़ा होगा कि उसके टक्कर से पृथ्वी में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कोई भी जीव जंतु पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाएगा, खास करके हम इंसान तो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। पर दोस्तों, इतनी भयानक भविष्यवाणी के बावजूद भी आज साल 2016 न केवल बीत चुका है, बल्कि इस बात को 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और हर कोई हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां तो फेल हो गई, क्योंकि आज समय और भी ज्यादा आगे निकल गया है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार आज से लगभग 40 साल बाद पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि न्यूटन ने की थे।
जहाँ फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन के अनुसार ये दुनिया साल 2060 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है, बल्कि इसके पीछे एक अच्छा खासा फॉर्मूला मौजूद है जिसके जरिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा जिसमें ये कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और साल 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को अपनी इस भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी और कितनी नहीं, इसका जवाब तो समय ही दे पाएगा, क्योंकि आज से करीब 38 साल बाद जब साल 2060 आएगा तब जाकर हम ये पता लगा पाएंगे कि न्यूटन ने जिस फॉर्मूले से धरती के विनाश की भविष्यवाणी की थी उनका वो फॉर्मूला सही था या फिर नहीं। क्योंकि अब तक तो न्यूटन ने बहुत से बड़े बड़े फिजिक्स के नियमों से लोगों को रूबरू कराया है, और अगर उनकी ये बात सच हो जाती है इसका मतलब ये कि मनुष्यों के पास ज्यादा समय नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के बारे में, जिन्होंने ये साफ कहा कि लगभग 3000 साल बाद यानी कि 5080 में पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि नॉस्ट्राडामस को भविष्यवाणियों का पिता माना जाता है, क्योंकि इनकी कई सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नॉस्ट्राडामस ने प्रलय के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा आग का गोला पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में धरती पर मानव की बर्बादी का कारण बन सकता है। अब ऐसा कब होगा इसके बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार ये घोषणा करते हैं कि नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 60वीं शताब्दी के अंत में होगा, क्योंकि उस समय तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी दौरान आकाश से एक बड़ा सा उल्कापिंड हिंद महासागर की तरफ आकर गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का सारा पानी पृथ्वी पर फैल जाएगा और यही वजह है कि धरती के अधिकांश इलाके पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंतकाल में समा जाए। पर दोस्तों जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखने के लिए साल 5080 तक न तो आप जिंदा होंगे और न ही हम होंगे, तो इसके लिए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इन सभी भविष्यवाणियों के अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी ये दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक ही जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी आने वाले 1000 सालों में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर हमें इंसानी सभ्यता और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी को बचाना है तो अभी से ही नए ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, जहाँ पर हम इंसान अपना अस्तित्व बचा सकें, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 साल के अंदर किसी दूसरे ग्रह पर बस्तियां बसानी होंगे, वरना हम सबका अंत निश्चित है, क्योंकि हम इंसानों के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एडवांसमेंट सब कुछ नष्ट हो जाएगा और ये दोबारा फिर कभी हमें मिल पाएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम बंदरों से इंसान के रूप में बदले हैं वो प्रोसेस आगे होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भले ही इन लोगों की भविष्यवाणियां आने वाले समय में गलत साबित हो जाएं, लेकिन ये बात तो तय है कि कभी न कभी पृथ्वी का अंत होना ही है और उसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।